हेलो एंड वेलकम, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल हेल्पर्स यूईटी प्रिपरेशन में। इस वीडियो में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ का मैं आप सभी को अपडेट देने वाला हूं, सो वीडियो में आप सभी बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं भी किया है कहीं तो भी आप इस वीडियो में बने रहिएगा। अभी मैं बताऊँगा कि कहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और लो मार्क्स वाली यूनिवर्सिटीज़ का भी मैं अपडेट दूंगा आप सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेकेंड राउंड काउंसलिंग का, जो कि होने वाला है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। हो सकता है कि कुछ दिन बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की तरफ से अपडेट निकाला जाए। फिलहाल 24/5/24 को 1.4th मेरिट लिस्ट जो सिलेक्शन लिस्ट था वो रिलीज किया गया है। इसके अलावा कोई भी लिस्ट यहाँ पर रिलीज अभी तक नहीं किया गया है, इसका डेट भी समाप्त हो गया है। तो जैसे ही न्यू नोटिस आएगा सेकेंड काउंसलिंग का, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अपडेट को। नेक्स्ट अपडेट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की तरफ से। काफ़ी सारे यहाँ पे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि इनका मेरिट लिस्ट कब आएगा, तो आप सभी देख सकते हैं कि अभी तक इनका सिलेक्शन लिस्ट नहीं आया। पहले ही अभी तक काफ़ी दिन पहले ही यहाँ पे एप्लीकेशन जो भी स्टूडेंट फाइनल एप्लीकेंट भरे हुए थे, रजिस्ट्रेशन किए हुए, तो उनका ही लिस्ट अभी तक आया हुआ है। लेकिन अभी तक कोई भी, आप यहाँ पर तीसरा कॉलम देखेंगे इस तरीके से लिखा हुआ है कि फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट, तो इसमें जिनका भी नाम होगा उन्हीं का एडमिशन होगा, बाकी लोगों का नहीं होगा। अभी सिर्फ रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट का ही नाम आया हुआ है। जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलिए अगली यूनिवर्सिटी का हम लोग अपडेट देखते हैं, जो कि है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। इसके बारे में भी काफ़ी लोग पूछते हैं, तो इनका भी कुछ अपडेट आया हुआ है। जो अपडेट है वो है कि फाइनल एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट रिलीज किया जा चुका है 31/5/24 को, जो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। इसमें जिस स्टूडेंट का नाम होगा सिर्फ उसी स्टूडेंट को एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा मेरिट लिस्ट में। जब भी इनका फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जारी होगा उसमें उसी स्टूडेंट को बुलाया जाएगा जिस लिस्ट में इनका नाम होगा। मतलब यहाँ पर जो लिस्ट आप देख सकते हैं, फाइनल लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट पीजी आफ्टर जो ग्रीवियंस के बाद लिस्ट तैयार की गई है। काफ़ी सारे स्टूडेंट को आपत्ति थी, तो उसके बाद आपत्ति के बाद जो लिस्ट तैयार की गई यूनिवर्सिटी की तरफ से, अब जो लिस्ट जारी किया गया है सिर्फ उसी का, उन्हीं स्टूडेंट को पेमेंट के लिए यहाँ पे लिंक एक्टिवेट किया जाएगा। एक नोटिफिकेशन भी आ गया है, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एक्टिवेशन ऑफ फी लिंक फॉर पीजी कैंडिडेट। तो पीजी का जो एडमिशन का लिंक है फी पेमेंट का, वो भी जल्दी ही वेबसाइट पर एक्टिव किया जाएगा। सो जैसे इसके बारे में कोई न्यू अपडेट आता है फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट के रिगार्डिंग या पेमेंट के रिगार्डिंग, मैं आपको अपडेट कर दूंगा, चैनल पे बने रहिएगा। नेक्स्ट अपडेट है आपका पुडुचेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से। इसके बारे में भी मेरिट लिस्ट के बारे में काफ़ी लोग पूछ रहे थे, सिलेक्शन लिस्ट के बारे में पूछ रहे थे, तो इसका भी पहले मेरिट लिस्ट आएगा। रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट लिस्ट का, जितने भी कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन किया है सबसे पहले उनका लिस्ट आएगा, उसके बाद इनका एडमिशन लिस्ट आएगा। तो जैसे ही फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट या मेरिट लिस्ट आता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल यहाँ पे कोई अपडेट नहीं है, आप सभी देख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की तरफ हम लोग मुड़ते हैं, जो कि है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका की तरफ से। ये भी एक लो मार्क्स वाली यूनिवर्सिटी है और ये जो नोटिस है वो 3 जून 2024 का ही है। तो जो लोग भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं कहीं भी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में, तो आप सभी रजिस्ट्रेशन जाके कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का डेट यहाँ पर बढ़ाया गया है 10/6/2024 तक। आप सभी देख सकते हैं डेट जो बढ़ाया गया है 10/6/2024 तक 12 PM आफ्टरनून तक यहाँ पे आप सभी कर सकते हैं। मतलब 12 PM तक ही, दोपहर तक ही आप सभी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। और करेक्शन का भी यहाँ पे दिया गया, पेमेंट लिंक के बारे में, सॉरी करेक्शन के बारे में नहीं, यहाँ पे दिया गया रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम, फी पेमेंट के बारे में बताया गया कि 11 और 12 जून को फी पेमेंट के लिए स्टूडेंट को लिंक दिया जाएगा, उस पर फी पेमेंट कर सकते हैं। तो आज तक का सिर्फ यही अपडेट है। इसके बाद कोई भी अपडेट आता है किसी भी नई यूनिवर्सिटी से या किसी भी और यूनिवर्सिटी से, कोई काउंसलिंग का अपडेट आता है या फिर मेरिट लिस्ट से संबंधित अपडेट आता है, किसी भी प्रकार का कोई भी अपडेट आता है, तो मैं आपको इसी चैनल पर सूचित करूँगा। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू।